ये बंबई का चलाया हुआ कराटे क्लास है दो जनवरी 1964 चौथे पेज में बात चल रही थी कि देखो बाबा जी कितना सहज कर देते हैं समझ गए हो ये तो बहुत ही रोज रोज समझाते हैं कितना समझा करके कितना समझे बीज और झाड़ ये है सेकंड की समझ परंतु अगर झाड़ के डिटेल में जावे तो फिर टारटारियां कैसे पत्ते पत्ते फिर उनमें टारियां निकलती ये तो बहुत लंबा और यूं तो बीज से ये झाड़ निकला खत्म तो बस दो ही बातें हो जाती हैं बीज और झाड़ बाकी है डिटेल की समझाने और डिटेल तो बहुत समझाते रहते हैं और आगे भी समझाते रहेंगे फिर नटशेल में कह देते हैं बच्चे यहां भी आते हो बैठते हो अथवा जहां भी जाते हो अपने बाप को याद करो क्योंकि वर्षा उनसे ही मिलना है उनसे ही मिलना है क्यों दूर कर दिया इनसे क्यों नहीं कहा वाणी तो 64 की है ना किसके तन में बोला ब्रह्मा के तन में बोला बाजू में ही बैठे थे फिर भी ये नहीं कहा कि इनसे वर्षा मिलना है तो जिसकी तरफ इशारा किया वो पार्ट भविष्य के लिए बोला तो कहते हैं अभी मां को याद करने की दरकार नहीं है याद करना है बाप को ऐसा क्यों लौकिक दुनिया में भी बच्चों के सामने पहले कौन आता है और जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो बाप और वर्षे की पहचान होती है तो तुम बच्चों को भी मतलब की बात लेना चाहिए अच्छा बाप को याद करो तो जरूर मां से जन्म लिया होगा तभी तो बाप को याद करते हो नहीं तो तुम लोग आए कहां से बाप जो कहते हैं मुझे याद करो तो जरूर बच्चों को कहते हैं तो बच्चों ने जरूर माता द्वारा जन्म लिया होगा या ऐसे ही निकल गए होंगे परंतु फिर तुमने जन्म तो लिया ना और जन्म किसके लिए लिया किस लिए लिया बाप से वर्षा लेने के लिए तो बस
अब माँ को छोड़ो, सब देहदारियों को छोड़ो, और इस देह को भी छोड़ो। अभी अपन को आत्मनिश्चय करो, क्योंकि तुमको वारसा लेना है बाप से। बाप बेहद का बाप है या हद का बाप है? बेहद के बाप से बेहद के जन जन्मांतर का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने शांति, जीवन मुक्ति माने जीवन में रहते रहते सुख की प्राप्ति। तो बाप से ये वर्षा लेना है, बेहद का बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बाप से इन बच्चों को वर्षा लेना है। अभी ये बच्चे समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए कि हम आत्मा हैं और अभी बाप के बने हैं। अभी हम जिस्मानी ब्रह्मा के यानी माता पिता के बच्चे बने हैं। यूं तो हैं रूहानी बाप के बच्चे। और बाप फिर कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, अभी ये खेल पूरा हुआ, अब मुझे याद करो। बस ये दो बातें तो बिल्कुल सहज समझाई देते हैं, सबको समझाई देते हैं, और किसी को भी समझाना ये बहुत सहज है कि भाई वो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देते हैं, क्योंकि बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। तो नई सृष्टि कहाँ थी? लंदन अमेरिका में थी क्या? कहाँ थी नई सृष्टि? भारत में थी। ये भारत नई सृष्टि का मालिक था। अभी तो कलयुग है और ये भारत मालिक नहीं है, तो जरूर कलयुग को फिर सतयुग बनाने वाला बाप है ना। वो अभी बाप ही बैठ करके कहते हैं कि तुमने बहुत जन्मों में हद का वर्षा लिया। हद के बाप से वर्षा लेते रहे। ये बात दूसरा कोई कह नहीं सकेगा। साधु संत महात्मा कोई भी नहीं कह सकेंगे। तुमको याद करना है बाप को, तो हे बच्चों, तुमने हर जन्म बाप से हद का वर्षा लिया, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हद का वर्षा कोई स्वर्ग में मिलता है। स्वर्ग का तो है ही बेहद का वर्षा। स्वर्ग जहां सुख ही सुख है, ये बेहद के बाप का सुख है। कहा जाता है बेहद का बादशाह सारी सृष्टि के मालिक। हद का जब कहते हैं तो द्वापर से शुरू होता है, तो ये बेहद का वर्षा है।
और वो प्रारब्ध है, वहां बच्चों को है ही बेहद की बात है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां प्रजा भी ये समझती है, अभी तो प्रजा नहीं समझती है कि हम कोई बेहद के मालिक हैं अथवा सारी सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो टुकड़े टुकड़े के मालिक भी एकदम कोई नहीं है, एक दो को अपने पानी में आने नहीं देते हैं, सागर को भी बांट रखा है, एक दो को नदी में भी हिस्सा नहीं लेने देते, पानी का भी बंटवारा, एक दो को अपने देश के आसमान में भी नहीं आने देते। और यहां प्रजा भी ऐसे ही समझती है, वहां स्वर्ग में प्रजा क्या समझेगी, वहां तो समझेंगे हम विश्व के मालिक हैं, हमारा राजा महारानी लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, और तो कोई नहीं है। कहाँ की बात बताई है, सतयुग के आठ जन्मों की बात बताई, या आठ जन्मों से भी पहले कोई विश्व की बादशाही का वर्षा होता है जो डायरेक्ट बाप से मिलता है। दो जनवरी 1964 की वाणी का पांचवा पेज, तो फिर इन बातों को समझने की कोई दरकार है ही है, फिर वो समझते हैं क्या, ये तो यहां समझाया जाता है। बाकी है ही, जब विश्व का मालिक तो उनको कहने की तो दरकार नहीं रहती है कि हम कोई विश्व के मालिक हैं, तो है ये हम समझाने के लिए कहते हैं कि बस वहां तो विश्व में बच्चों का एक ही राज्य रहता है, वहां कोई अद की बादशाही नहीं थी, बेअद की बादशाही थी, और वो बेहद की बादशाही भारत को थी। कौन से युग की बात, कहां की बात बताई, विश्व की बादशाही, सारे विश्व में भारत राज्य करता था। ऐसे नहीं है कि भारत में ही राज्य करते थे, अभी ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, एकदम भूल गए हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है, कौन भूल गए हैं है? दुनिया वाले दूसरे धर्म वाले तो भूले ही हुए हैं, क्या बीके वालों को याद है कि बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, सतयुग का वर्षा मिलता है, सतयुग में मिलता है, या विश्व की बादशाही का वर्षा संगम में मिलता है? अभी बात है 5000 वर्ष की,
उनको इन्होंने शास्त्र में कल्प को लाखों वर्ष दे दिए है, क्योंकि हजारों वर्ष का है, फलाना है, ये है, इस तरह भुलाए भुलाए करके एकदम भुलाई दिया। भूल तो सकते हैं ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है कितने ये लाखों वर्ष बेचारे याद करते हैं, लाखों वर्ष की बात तो फिर भूल गए, सभी बातें भूल गई, घोर अंधियारे में डाल दिया है। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तो बात समझाते हैं कि कोई को भी क्या समझाना है, बुद्धि में आना चाहिए। तो बच्चे तुम बाप से हद का वर्षा लेते आए और वहां तो बेहद का ही हुआ, क्योंकि बेहद का बाप वर्षा देने वाला है। ये बात अब तुम समझ गए, तुम समझ गए, दूसरे मनुष्य नहीं समझते हैं। दूसरे कौन और तुम कौन है? तो जो दूसरे मनुष्य नहीं समझते हैं वो एकदम पत्थर बुद्धि है। कौन है दूसरे है? तुम समझ गए है? तुम समझ गए हो माना बाप के जो सन्मुख बैठते हैं, सन्मुख का भी गहरा अर्थ है। ये नहीं कि सामने बैठने से ही सन्मुख हो जाता है। क्या सामने बैठने वाले संकल्पों में विमुख नहीं हो सकते? होते हैं ना। तो सन्मुख कहें या विमुख कहें? विमुख हैं तो प्रसन्न चित्त हैं या प्रश्न चित्त हैं? प्रश्न चित्त हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। तो कितने हैं वो? कौन है जिनकी बुद्धि में ये बातें बैठती हैं? है? अरे कोई संख्या है उनकी? है? 4.5 लाख? 9 लाख नहीं है, 4.5 लाख जो प्रवेश करने वाले हैं, 4.5 लाख उनकी बात नहीं है, वो पत्थर बुद्धि ही रहते हैं। है? हाँ, ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो प्रवेश करने वाली हैं, वो प्रत्यक्षता होने तक पत्थर बुद्धि ही रहेंगी क्या? हैं? वो भी पारस बुद्धि बनेंगी, परंतु 7-8 शरीर से विश्व के बादशाह नहीं बनेंगे। सतयुग में बनेंगे लेकिन उनका विश्व लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा? अभी तुम बच्चों को शिक्षा मिल रही है। तुम किनको कहा जाता है? जो आत्माएं प्रवेश करती हैं उनसे तुम कहते हैं, या जिनमें प्रवेश होता है उनको तुम कहा? तुम बच्चे किसको कहा? सन्मुख कौन होते हैं? तुम बच्चे सन्मुख इसलिए हो कि बाप जो भी कहते हैं वो बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, प्रवेश करने वालों की बुद्धि में तुरंत नहीं बैठती। जैसे मिसाल है?
जैसे मिसाल है कि तुम बच्चों की बुद्धि में फट से बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो ये शिक्षा तुम बच्चों को मिल रही है कि अभी जो तुम बच्चे बाप से वर्षा लेके आए हो वो तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेके आए। जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर क्यों कहा, 63 जन्म क्यों नहीं कहा है? 63 जन्म हद का वर्षा लेते आए या जन्म जन्मांतर लेते आए है? हाँ, 84 जन्म भी लौकिक बाप से वर्षा लेते आए या पारलौकिक देव के बाप से वर्षा लिया है? लौकिक बाप से ही हद का वर्षा लिया। अभी आओ बेहद के बाप से वर्षा ले लो तो ले लो। अभी ये बेहद का वर्षा हम भी ले रहे हैं। अब बताओ बेहद का वर्षा कौन सा है? कौन सा पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए ना है? बेहद का वर्षा सत्युग त्रेता के 20-21 जन्मों का, परंतु सत्युग त्रेता में 21 जन्म होते हैं, सभी के होते हैं? सभी के तो नहीं होते, किन के होते हैं? 21 जन्म किन के होते हैं? तुम बच्चों के 21 जन्म कहेंगे, ब्रह्मा जैसी आत्माओं के भी 21 जन्म कहेंगे, परंतु उनका जो एक जन्म है वो त्रेता में बढ़ता है या सतयुग में बढ़ता है? त्रेता में बढ़ता है। यती कला का युग है या चढ़ती कला का युग है? और तुम 21 जन्म कहां से गिनते हो, चढ़ती कला से गिनते हो या तुम्हारा जन्म 21वां उतरती कला में होता है? तुम 21 जन्म जो है वहां तुम्हारी काउंट होती है स्वर्णिम संगम युग से। तो तुम बच्चों को ये वर्षा मिल रहा है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देंगे ही स्वर्ग में, क्या सतयुग त्रेता में ही स्वर्ग होता है? संगम में स्वर्ग नहीं होता, होता है या नहीं होता है? अभी है, अभी नहीं, अभी स्वर्ग कहें या न कहें? नहीं कहें। क्यों नहीं कहें है? नहीं, नाम है स्वर्ग, सही स्थिति में नहीं गए हैं तो स्वर्ग नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब हम परमानेंट सही स्थिति में स्थित हो जाएं, तब क्या कहेंगे? कौन से युग में है? स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता है और स्वर्ग में ही गाया जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार आकार होता है? रचयिता तो जरूर साकार होता है। नई सृष्टि ही साकार होती है या निराकार होती है? साकार सृष्टि है ना, और स्वर्ग में गाया जाता है। 21 पीढ़ी का राजभार। भला पीढ़ी क्यों कहते हैं?
अरे भाई बुढ़े होकर मरेंगे, अकाले मृत्यु भी बिल्कुल ही नहीं आएगी, तुमको रोना पीटना विधवा बनने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो विधवा बन जाती है। अरे आजकल तो इतने जागृति नहीं है क्या है? अभी किसकी बात हो रही थी? विधवाओं की बात हो रही थी। आजकल तो इतनी जागृति विधवाएं नहीं है। क्यों? अभी जनसंख्या बढ़ रही है तो विधवाएं जागृति होना चाहिए या कम होना चाहिए? है जागृति हो, फिर इतनी क्यों नहीं है? जितनी पहले विधवाएं होती थी भारत में उतनी विधवाएं अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया भारत में, तो पश्चिमी सभ्यता के जो भी धर्म है वो अनेक शादियों में विश्वास करते हैं कि एक ही बार शादी करने में अच्छा समझते हैं। है तो यहाँ भारत की स्त्रियों में अब विधवाएं बहुत कम देखने में आती। चलो प्रत्यक्ष रूप में शादी नहीं करेंगी लेकिन गुप्त रूप में कर लेती। शादी माना क्या? विकार में जाना माना शादी, या ढोल मजीरा बजाने को ही शादी कहते हैं? विकार में जाना माना शादी। तो आजकल तो इतनी जास्ती विधवाएं नहीं है, इतने जास्ती विधुर भी नहीं है। अभी फैशन बदलता जाता है, नहीं तो आगे जब पति मरता था तो या उसे बहुत करती थी। यहां तक कि 12 महीने तो एकदम बाहर नहीं निकलती। कपड़े भी एकदम पुराना करके बैठ जाती, नए कपड़े भी नहीं पहनती। और ये तो तुम समझते हो कि उनको अपने जीवन में अंत तक याद रहती है। किनको? विधवाओं को। अच्छा फिर तो बहुत मुसीबत हो गई। क्या क्या मुसीबत हो गई? है मुसीबत हो गई। क्यों? पहले मुसीबत समझ करके ऐसा करती थी या अब मुसीबत समझ करके ऐसा करती है? अब मुसीबत लगती है, इतना त्याग कैसे करेंगी? तो देखो यहां कि सब पुरानी दुनिया में अभी ये बातें बिल्कुल नहीं है। कोई भी विधवा नहीं बनती है, कोई कुछ भी नहीं रोते हैं, एकदम कुछ भी नहीं। बच्चों को भी रुलाने की दरकार नहीं रहती है, कोई तो न रड़ते हैं न उनको रड़ाते। जो उनका मुख बड़ा हो छोटा न रह जाने, बच्चों को जोर से भी लड़ाते हैं ना, परंतु वहां तो रड़ाने रड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये तो आप सभी बच्चे समझते हो कि बरोबर हम अभी बेहद के बाप से फिर से कल पहले मुआफिक वर्षा ले रहे, क्योंकि अभी हमारा 84वां जन्म पूरा हुआ, फिर से हमको 21 जन्म का वर्षा जरूर मिलना ही है।
जो वर्षा मिला हुआ था वो पूरा हो गया। अभी हमको जाना ही है, अभी याद तो रखना चाहिए ना। अरे परंतु बच्चों को ये याद भूल जाती है कि अब हमें वापस जाना है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अगर ये निरंतर याद रखते रहें तो इनका विकर्म भी विनाश होता रहे। तो बाप को याद करें, वर्षे को याद करें, मन मना भव माद्यादि भव। और ये मन मना भव मद्यादि भव का अर्थ कितना सहज है, और ये अर्थ लिखा हुआ भी है। यानी भले वो गीता झूठी है फिर भी कुछ न कुछ तो उनमें सच्चा है ना। लिखा भी है मन मना भव, क्या लिखा है, मन मना भव मद्यादि मामेव नमस्कुरु, मुझे अपने परम पिता परमात्मा यानी बाप को ही याद करो। अभी कृष्ण तो नहीं कहेंगे मुझे परम पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। तो परमात्मा ही आत्माओं को कहेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है मच्छरों के मिसल जाने वाले हैं। आत्माएं आत्माओं को फॉलो करेंगी या कृष्ण देहधारी को फॉलो करेंगी? मच्छरों मिसल क्यों कहा? मच्छर की वकील मच्छर कहीं भी बैठता है, पांव में ही बैठा हो क्या करेंगे? पट से ना सोचेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं कि ये आत्मा है। 2 जनवरी 1964 की वाणी का छठा पेज। तो बताओ जो कृष्ण को फॉलो करने वाले होंगे वो कृष्ण की तरह देहधारी होंगे या आत्माभिमानी होंगे? तो कृष्ण देहधारी कैसे जा सकेंगे? वो ये बात कह कैसे सकते हैं कि मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो? इसलिए तुम्हारे चित्रों में क्या यादगार दिखाई है, हैं? मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, हैं? भाड़ के चित्र में ऊपर किसका चित्र रखा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है, और शंकर के ऊपर निराकार ज्योति दिखाई गई है। ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे आत्मा को याद करो। कौन है? कौन नहीं कह सकते मुझे आत्मा को याद करो? अरे कृष्ण की बात हो रही थी ना, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे आत्मा को याद करो। नहीं, उनका तो नाम ही कृष्ण है ना। किनका? ब्रह्मा बाबा का नाम। अभी ब्रह्मा बाबा का नाम कृष्ण था है? नाम काम के आधार पर पड़ता है कि ऐसे ही पड़ जाता है? हाँ, तो जो बोला उनका तो नाम ही कृष्ण है ना। किसका नाम कृष्ण है? अरे और उनका माने किनका? इनका नहीं, उनका तो
नाम ही कृष्ण है ना, कृष्ण माने क्या? कृष्ण आकर्षित करने वाला, आत्माओं को खींचने वाला। तो बाप ने समझाया है कि बच्चे मेरा नाम कोई भी देहधारी का नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? है? मेरा नाम आत्म की स्थिति जब बनती है तभी मेरा नाम कृष्ण है, तभी आत्माओं को खींच के ले जाता हूं। क्या बोला है मुरली ने? तुम बच्चों को कैसे ले जाऊंगा? आंखों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो मेरा नाम ही है शिव, अर्थात कल्याणकारी है। मेरे निराकार बाप का नाम ही शिव है। वो निराकार का ही नाम शिव है। क्या कहते हैं? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और तो सब देहधारियों के नाम है, कोई की आत्मा का नाम नहीं है। तो अभी कृष्ण कैसे कहेंगे मनमना भव, अर्थात देश है सब कुछ त्याग कर मुझ बाप को याद करो, कैसे कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा अभी तक है स्वयं ही आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हुई है, तो नहीं कह सकते मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो कह कैसे सकते हैं? क्योंकि तो उनको शरीर है, ये तो कह सकते हैं ना। कौन है? अरे वही झाड़ के चित्र की तरफ इशारा किया, ये तो कह सकते हैं ना, क्योंकि इनको तो अपना शरीर है नहीं। तो कहते हैं देखो, तुम्हारा भी शरीर नहीं था तब, जब तुमको परमधाम वापस जाना था तो तुम्हारा भी शरीर नहीं था। कैसे नहीं था? है? शरीर तो था, शरीर का भान छोड़ दिया था। और फिर जब तुमको भेजा, कहां से भेजा? परमधाम से, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में वापस भेजा, तब ये तुमने शरीर लिया। अभी तुमको स्मृति बहुत आ गई है, सारे नाटक की स्मृति आ गई है, सारे ड्रामा की, ड्रामा के आदि मध्य अंत की। ये बाप सृष्टि का रचयिता कैसा है, जिसको क्रिएटर कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे है? कब रचता है? वो रचयिता क्यों है? है? क्यों रचयिता है? है? अरे रचता है, क्या रचता है? ऐसी सृष्टि रचयिता है, रचता है जहां सब आत्मा की स्थिति में होते हैं। अभी तो सृष्टि कैसी है? सब देह मन में है या आत्मा भी मन में है? तो वहां सृष्टि तो जरूर है,
तो फिर नाम भी लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते, नई सृष्टि की रचना रचते ब्रह्मा द्वारा। 68-69 में ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची गई है? नहीं रची गई। अच्छा, ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची गई है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि, ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची गई या नहीं रची गई? ब्राह्मणों की नई सृष्टि तो रची गई। तो नई सृष्टि कौन सी रची गई? जरूर ब्राह्मणों की पुरानी सृष्टि है। पुरानी माने दुखदाई या सुखदाई? पुरानी सृष्टि है ना, उनमें से रचयिता भी होगा। आना तो जरूर पुरानी सृष्टि पर पड़े ना, तो आ करके कहते भी हैं, मानुष को देवता किए करतन लागी वार। यहां सब मनुष्य है ना। अभी देखो कितने मनुष्य हैं, हैं? कितने मनुष्य हैं? सारी सृष्टि भरी पूरी है। अभी उनमें से आकर के बाप कहते हैं कि बच्चों, मैं तुमको पढ़ाई करके फिर से मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुम तो देवता पूज्य थे, तुम तो फिर पुजारी बन गए। अभी पुजारी कैसे बने? कितने वर्ण में आए? तो बाप ने समझा दिया है, जो बात सिद्ध तो कर देते हैं, 84 जन्म सिद्ध कर देते हैं, तो भी समझाया है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि 84 जन्म होते हैं या 84 लाख मनुष्य जन्म लेते हैं। पर 84 जन्म भी कौन लेते हैं? कि सारी सारे मनुष्य शक्ति में सभी 84 जन्म लेते हैं क्या? सभी 84 जन्म या 84 लाख जन्म लेते हैं? अच्छा, अभी जो विनाश होगा, क्योंकि कभी तो सृष्टि बढ़ती भी है ना, तो कितने जन्म लेंगे है? अभी जो विनाश होगा, अभी माने कभी, उस समय 64 की वाणी है, तो उस समय अभी का इशारा किस तरफ है? 76 की तरफ इशारा किया। अभी जो विनाश होगा, मना कभी तो सृष्टि बढ़ती है ना, तब से बढ़ती है। पुरानी दुनिया के पुराने ब्राह्मणों की सृष्टि की वृद्धि कब से होती है? है पहले तो पुराने और नए सब मिक्स थे, फिर नए ब्राह्मणों की सृष्टि की वृद्धि होती है,
और विनाश का नजारा कब से दिखाया गया है? 65-66 में घोषणा की गई थी, आने वाले 10 वर्षों में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा और विनाश होगा। तो नई दुनिया की शक्ति जरूर बढ़ेगी, जिनकी सृष्टि बढ़ेगी पहले पहले वो कितने जन्म लेंगे है? हाँ, 84 जन्म लेंगे, और बाद में आने वाले कम जन्म लेंगे। तो बाद में आने वाले 84 जन्म मिलेंगे क्या? अच्छा, तुम बच्चे तो पूरे 84 जन्म मिलेंगे, बाकी 50 वर्ष या 25 वर्ष कम जन्म कौन लेंगे? तो बाप बैठ करके समझाते हैं और सहज होता जाता है बच्चों को कि बरोबर हम ही 84 का चक्र लगाए। इसी को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। अभी देखो कहां उसमें कथाएं लिखी हैं सुदर्शन चक्र थोड़ा तो ये गले कट गए है? शास्त्रों में टीवी में दिखाते हैं ना, ट्रस्ट ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और गले कट गई। क्या मतलब हुआ है? देहभान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। देहभान अलग होना, आत्मा अलग होना क्या मतलब हुआ है? आत्मा की स्थिति में चले गए, अर्थात जो रूहानी ज्ञान है रूहानी बाप देते हैं, उस ज्ञान के ऊपर निश्चय बुद्धि हो गए, अज्ञानी दुनिया से मर गए। तो बच्चों को समझना और समझाना सहज होता जाता है। देखो अभी ये कितनी सारी बातें निकलती हैं। उस सुदर्शन चक्र को फिर हथियार बनाए दिया है, ये कोई हद का गला काटने का हथियार है या बेहद में समझने की बात है? तो ये कोई स्थूल हथियार नहीं है सुदर्शन चक्र। अभी बच्चों को यानी आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे हैं, अभी हमारा ये 84 का चक्र पूरा होता है और अभी ये सारा ड्रामा खत्म होता है, अभी फिर तुमको ये ड्रामा रिपीट करना है, नए सिरे रिपीट करने हैं। तो पहले पहले तो प्राचीन आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए। क्या नाम दिया है? सिर्फ सनातन धर्म नहीं, एक तो प्राचीन माना सनातन और दूसरे क्या शब्द लगा हुआ है सनातन से पहले? आदि। तो आदि कोई से जन्म से तो हुई होगी, क्या सतयुग के पहले जन्म से आदि होती है या संगम युग से होती है?
वो जो प्राय लोप धर्म हो गया है वो स्थात पक बैठ करके कहते हैं कि मैं फिर से वही देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। इसको मुसलमानों में अल्लाह अव्वल दीन कहा गया है, दीन माना धर्म। वो धर्म कौन स्थापन करते हैं? अल्लाह माना सबसे ऊंचा जो रहने वाला है वो अल्लाह ही अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करते हैं। गीता शास्त्र वो उसी देवी देवता धर्म का है, पर उन्होंने तो ये बातें कुछ भी नहीं है। उस गीता शास्त्र में तो लिखा हुआ है ईश्वर सर्वव्यापी है, बस एक ही निपुटी बात बैठ उठाती है। इसको कहा जाता है निपुटी, यानी ये बाप का पुट नहीं है, ये कृष्ण के पुट तो हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए इनको निपुटी कहते हैं, यानी हम बाप के पुट के नहीं हैं, नास्तिक हैं, हम बाप के बच्चे नहीं हैं। जो कहते हैं गॉड फादर, ये ऐसे ही कह देते हैं, यानी समझ भी तो कोई कुछ चाहिए ना। जबकि फादर कहते हैं तो फिर उनको कह देना कि सब में है, सब में है तो ब्रदरहुड हुआ या फादरहुड हुआ, सबको फादर फादर बनाई देते। अभी देखो ये कितनी मूर्खता की बात है, एकदम मूर्खता। कहते भी हो गॉड फादर, मर्सी ऑन मी, रहम करो। अच्छा तो बाप आते हैं ना रहम करने के लिए, अब रहम क्या करूं, क्या रहम करूं तुम बच्चों पर, तुम दुखी हो ना, तो तुमको दुख से लिबरेट करना है, तुमको सुखी करना है। पहले क्या करना है? पहले दुखों से लिबरेट करना है। जैसे कोई का हाथ अचानक आग में गिर जाता है तो क्या करते हैं? रसगुल्ला खाते हैं, मुंह के सामने रसगुल्ला आया हुआ है वो खाते हैं, या आग में से हाथ बाहर निकालते हैं? पहले हाथ बाहर निकालेंगे, अर्थात हाथ को लिबरेट किया जाता है, बाद में सुख की बात आती है। पहले शांति फिर सुख। तो मैं भी आकर के तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाता हूं, कल्प कल्प आकर के तुम्हें सुखी करना है। अब बताओ बाप का धर्म क्या है? हैं? बाप की धारणा क्या है? अपने बच्चों को सुखी करना। सो तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम कल्प कल्प हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं, भारत को आकर के धीरे जैसा बहुत सुखी बनाता हूं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस
बड़ी आयु हीरे जैसा बनाता हूं और भारतवासियों को ही बनाता हूं। बाकी जो दुनिया में इतने सभी धर्म वाले हैं उन सबको निर्वाण धाम भेज देता हूं। जिस निर्वाण धाम में जाने के लिए भक्ति करते हैं ये सन्यासी क्या चाहते हैं है? स्वर्ग चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं? वो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं। तो भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए, यानी भगवान से हमको कोई नंबर का सुख चाहिए तो समझते नहीं है, क्योंकि सुख के लिए सन्यासियों ने बहुत डराई दिए है। कहते हैं सुख है काग विश्वास समान, तो ऐसा काग विश्वास समान सुख थोड़े ही लेना चाहिए। अब जब सन्यासी आते हैं उनका हेड शंकराचार्य आता है अथवा बौद्ध धर्म के कहो वो सन्यासी आते हैं तो दुनिया में सुख कागज का समान होता है ना शुरू, तो कहते हैं कागज का समान सुख है, सुख नहीं लेना है। यहां तक उन्होंने बाप को समझाया, उन्होंने सबको डराई दिया, नहीं यहां इस दुनिया में असुर रहना ही नहीं चाहिए। यहां तो कहते हैं कि सुख नहीं चाहिए, तो दूसरा बोलते हैं इस सृष्टि में ही हमको नहीं आना है, माना हमको सदा काल की मुक्ति चाहिए जिसको मोक्ष कहते हैं। अभी शास्त्रों ने भगवान के लिए लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, फिर दिखाते हैं संभवाम युगे युगे, कहीं लिखा है हर युग में आता हूं, कहीं लिखा है हर कल्प में आता हूं, तो भगवान को मोक्ष नहीं चाहिए और हमको मोक्ष चाहिए। देखो ये सन्यासी कैसी उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं सदाकाल का मोक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता है, अगर सदाकाल का मोक्ष मिल जाए तो आत्मा विनाशी कहेंगे या अविनाशी कहेंगे? आत्मा का पार्ट ही न रहा तो आत्मा जैसे विनाशी हो गई। और शास्त्रों में क्या लिखते हैं आत्मा के लिए? आत्मा अविनाशी है, तो दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? तो बाप कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। बाप आकर के समझाते हैं बच्चे ये है प्री आइडेंट इम्परिशिबल वर्ल्ड, इसका विनाश कभी नहीं होता है। क्या आत्मा का भी विनाश नहीं होता है, सृष्टि का भी विनाश नहीं होता है और परमपिता परमात्मा का भी विनाश नहीं होता है। ये पांच तत्वों वाली जो प्रकृति है इसका भी समूल विनाश नहीं होता है। रूप परिवर्तन होता है लेकिन विनाश नहीं होता है। तो ये बना बनाया ड्रामा है और ये अविनाशी ड्रामा है। ओ